दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल में। आज हम लोग पटना सिविल कोर्ट क्लर्क का 21 अगस्त 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जनरल नॉलेज का पार्ट देखते हैं। और इससे पहले 17 जुलाई 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो जनरल नॉलेज था वो क्वेश्चंस और उसका आंसर वो मैंने करवा दिया। आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक मिलेगा वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, मतलब कि इसमें 25-25 क्वेश्चन चार पार्ट में होता है। आपको बता दूं, पहला होता है जनरल नॉलेज, उसके बाद मैथमेटिक्स होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है। 25 चौके 100 होता है। ठीक है, तो अभी 25 क्वेश्चन देखते हैं जनरल नॉलेज का। आपको मैं इंग्लिश नहीं करवाऊंगा, बाकी मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और हिंदी, ये तीनों पार्ट आपको कवर करवा दूंगा। तो आप लोग जरूर चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन है, इन विच कैटेगरी डिड मैरी क्यूरी विन हर टू डिफरेंट नोबेल प्राइजेस। इसमें से कौन से दो कैटेगरी में नोबेल प्राइज मिला है मैरी क्यूरी को? तो पहला ऑप्शन है फिजिक्स केमिस्ट्री, दूसरा केमिस्ट्री मेडिसिन, तीसरा है फिजिक्स मेडिसिन, चौथा है केमिस्ट्री एंड पीस। तो ये हो जाएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स में इसको मिला था 1903 में और केमिस्ट्री में 1911 में मिला था। ठीक है, ये जो नोबेल प्राइज है कब से स्टार्ट हुआ? 1901, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्टॉकहोम। 27 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज टर्म एज हॉट मनी। हॉट मनी किसको बोलते हैं? ये पहला ऑप्शन है FII, दूसरा FDI, तीसरा ATR, चौथा है GTR। FII क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ATR क्या होता है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और GTR क्या होता है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये हो जाएगा ऑप्शन में आपका FII, इसको हॉट मनी बोलते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होता है? जो कि बाहर के कंट्री का हो और अपने बाहर की कंपनी हो और अपने इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा जो है इन्वेस्ट करती हो, तो इसी को बोलते हैं। FDI क्या होता है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, जैसे रोड वगैरह बन रहा है, रेलवे वगैरह बन रहा है, तो किसी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे अपने इंडियन गवर्नमेंट के साथ में कोलेबरेट करके यहाँ पे फंड देती है और उसका इंटरेस्ट लेती है, तो उसको FDI बोलते हैं। ADR क्या होता है? अमेरिकन डिपोजिटरी, जो अमेरिका में जो लिस्टेड कंपनी है वो ग्लोबल में, जो ग्लोबल में और भी कंट्री में उसका स्टॉक मार्केट में लिस्ट है कंपनी। ठीक है, इस तरह से देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन से कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिक्सर है दोनों का, एक पार्लियामेंट्री का और प्रेसिडेंशियल का। पार्लियामेंट्री क्या हो जाता है? जैसे अपना भारत में है संसद, प्रधानमंत्री हेड होता है, राष्ट्रपति सिर्फ ऐसे सिंबॉलिक हो जाता है। अब प्रेसिडेंशियल में जैसे आप देख सकते हैं अमेरिकन वाला राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास पूरा पावर होता है। तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन है USA, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। देखिए आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे, यूएसए तो होगा नहीं क्योंकि वहां प्रेसिडेंट है, जर्मनी में चांसलर है, ग्रेट ब्रिटेन में प्रधानमंत्री, ये फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, ओपियम इज अ प्लांट प्रोडक्ट ऑब्टेंड फ्रॉम रूट से प्राप्त होता है। ओपियम कहाँ से प्राप्त होता है? रूट से, स्टेम बार्क से, ड्राइड लीफ से और ड्राइड लेटेक्स। तो ये हो जाएगा ड्राई लेटेक्स से प्राप्त होता है, इसको याद रख लीजिएगा, ओपियम। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ वेट। इसमें से कौन सा वेट का मात्रक नहीं है? ठीक है, एक पाउंड हो गया, दूसरा किलोग्राम, ग्राम, डाइम। अब ऑप्शन में चार दिया हुआ, एलिमिनेशन मेथड भी अगर आपको नहीं भी आ रहा तो दिमाग आप लगा सकते हैं। जैसे ग्राम और किलोग्राम, तो ये तो देख सकते हैं कि ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, एक मिनट,
ग्राम और किलोग्राम तो होगा नहीं, ये पाउंड तो जो अपना ब्रिटेन में चलता है ब्रिटिश सिस्टम में, पाउंड उसको बोलते हैं, डाइन हो जाएगा यहाँ पे, डाइन ऑप्शन हो जाएगा। डाइन क्यों, क्या होता है, ये फोर्स का यूनिट होता है। ठीक है, 31 क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? पहला है पेंच, दूसरा है कॉर्बेट, तीसरा है नागार्जुना और चौथा है मानस। पेंच कहाँ पे है अपना, ये है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में, ठीक है। कॉर्बेट कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। नागार्जुना कहाँ है, एपी और तेलंगाना के बीच में शेयर होता है। और मानस कहाँ पे, मानस कहाँ पे, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, नागार्जुना, सबसे बड़ा यही है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज, पहला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था इंडिया का, टी स्वामीनाथन, सुकुमार सेन, के सुंदरम और एसपी शिव सेन वर्मा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा, सुकुमार सेन। ये भी क्वेश्चन अच्छा, 33 नंबर क्वेश्चन है, द कलर ऑफ काउज मिल्क इज स्लाइटली येलोस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, ये जो कलर गाय का दूध का जो कलर होता है थोड़ा सा पीला पीला लगता है। ऑप्शन है राइबोफ्लोविन, कैरोटीन, राइबुलोज, जेरोफ्थाइल। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, कैरोटीन हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग अटैक्स द सोमनाथ टेम्पल, कौन से ऐसे इसमें से रूलर थे जिन्होंने सोमनाथ पे अटैक किया था। पहला है मोहम्मद ऑफ गजनी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये कौन हो जाएगा, मोहम्मद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी है। ठीक है, 35 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स काउजेस मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इसमें से कौन सा जो फ्यूल है वो सबसे कम हार्म करता है, ये पोल्यूशन फैलाता है इन्वायरमेंट में, डीजल, किरोसिन, हाइड्रोजन, कोल। ये तीनों तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, एटीएम जो हम लोग यूज करते हैं, एटीएम स्टैंड फॉर क्या, सब ऑप्शन है, ऑप्शन है अपना ऑटोमेटिक टेलर मशीन, दूसरा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेली मशीन, ऑटोमेटेड टेली मशीन। टेली वाला तो कभी आपने सुना नहीं होगा, तो इसलिए इसको एलिमिनेट कर देना पहले। अगर आपका कुछ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले उसको हटाओ, ऑप्शन को जो आपको सुना सुनाए कभी लगता ही नहीं है, तो उसको ये कर देना। अब इसमें इसमें चेक करना, तो ऑटोमेटिक लग रहा, तो ये ऑटोमेटिक ही होगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ किस तरह से आपको अगर कहीं डाउट होता है तो आप एग्जाम में एलिमिनेट करोगे। 37 नंबर है, ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज, कहता है एक से ज्यादा क्रॉप जो अनाज लगाते हैं किसी लैंड पे, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिक्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग, डबल क्रॉपिंग, ट्रिपल क्रॉपिंग। ये भी सिंपल है, अगर एक से ज्यादा तो यूनि तो होगा नहीं, ठीक है, इसको ऐसे कट कर देना। डबल अगर दो रहता, दो लिख के देता तो डबल करते हैं, तीन लिख के देता तो ट्रिपल करते, एक से ज्यादा है तो मल्टीपल करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 का, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो ऑफिस को कब तक होल्ड करके रखते हैं। तो ये क्वेश्चन आया है, पहला ऑप्शन है टिल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट्स देम टू होल्ड द ऑफिस, जब प्रेसिडेंट कहेंगे कि हाँ तब तक होल्ड करना है, ये ऑप्शन है। टिल
टिल द पार्लियामेंट्स अलाउ देम टू होल्ड द ऑफिस, जब तक पार्लियामेंट संसद बोलता है कि आप यहाँ पे रह सकते तब तक, या टिल दे अटेंड द एज ऑफ 65 ईयर्स, या टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 ईयर तक। 39, महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज दांडी मार्च फ्रॉम, कहाँ से? दांडी से, पोरबंदर से, अहमदाबाद से, साबरमती से। तो कहाँ से हो जाएगा ये? साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था ये आपका, कुछ 12 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 70 या 72 अनुयायियों के साथ जो है निकले थे, और यहाँ पे दांडी पहुंच के इन्होंने नमक बनाया था, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई? व्हेल, ड्रैगन, बैट, लिजर्ड। इसमें हो जाएगा ये चमगादड़, ठीक है, ये सब उड़ सकता, बाकी लिजर्ड तो उड़ता नहीं है, छिपकली वगैरह जो बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, 41 है, हु गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल? इनमें से किसने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, वुमेन ऑफ बारदोली, और पीजेंट ऑफ गुजरात। तो ये महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। अब 42 नंबर क्वेश्चन है, योसमाइट इज अ रिवर, पीक, वाटरफॉल, डैम। योसमाइट क्या है? योसमाइट ये यूएसए में बहुत बड़ा वाटरफॉल है, सबसे बहुत लंबा है, पांचवा आता है नंबर पे वर्ल्ड में, तो इसलिए ये दिया है। 43 देखते हैं, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड इन, पहला जो सैटेलाइट आर्यभट्ट था वो कब लॉन्च हुआ था? 1972, 1975, 1970 या 1979। तो इसको याद रखना है 1975, ये इसको बाय हार्ट कर लेना पूरा। भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 इज रिलेटेड टू कौन, किसके कारण हुआ था ये जो 1984 में भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुआ, तो क्या हुआ था इसमें? एल्युमिनियम फॉस्फाइड ये निकला था, या मिथाइल ब्रोमाइड, या मिथाइल आइसोसाइनाइड, या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। 45 है, वेयर डिड औरंगजेब डाई? औरंगजेब कहाँ मरा था? पुणे में, औरंगाबाद में, अहमदनगर, मुंबई। तो ये ऑप्शन हो जाएगा अहमदनगर, ठीक है, ये अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको दफनाया कहाँ गया है? औरंगाबाद में। और ये अहमदनगर किसने बसाया था? ये एक निजाम रूलर थे, उन्होंने बसाया था 1454 के आसपास, ठीक है, जीत के उपलक्ष्य में। हु कॉइंड द नेम पाकिस्तान? पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, लियाकत अली खान, चौधरी रहमत अली। तो ये हो जाएगा चौधरी रहमत अली। 47 देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन विनर ऑफ मिस यूनिवर्स टाइटल? रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता, सुष्मिता सेन। कौन था ये? सुष्मिता सेन। रीता फारिया कौन थी? मिस वर्ल्ड सबसे पहली, ठीक है, ये सुष्मिता सेन कब जीती थी? 1994 को, 1994, ठीक है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जो भी क्वेश्चन है जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं तो वो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। 48 है, विच इज द ओनली कंट्री हुज पोस्टेज स्टाम्प्स डू नॉट बियर इट्स नेम? कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके पोस्टेज स्टाम्प पे जो है उसका नाम नहीं लिखा होता? यूएसए, जापान, पाकिस्तान, यूके। तो ये हो जाएगा यूके। यूके से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वाले, इसमें जो एग्जाम हुआ था उसमें भी था कि किसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो वो भी यूके था, ठीक है। स्टेन्स ऑफ रस्ट ऑन ए क्लोथ कैन बी रिमूव्ड, जो क्लोथ पे जो रस्ट का ये
धब्बा टाइप का बन जाता है, तो उससे हटाते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, पेट्रोल, अल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। लास्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे, लिंडस्टीनर, पावलो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंडस्टीनर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है? आपके लिए क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसका इन्वेंशन किया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे वो कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आपको जो भी पढ़ना होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बाद मैं आपको हिंदी में जो भी क्वेश्चंस है वो बताऊंगा, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।